हाय गाइस, आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ बहुत ही कमाल के लैपटॉप की अनबॉक्सिंग, जिसको देख करके पक्का आप बोलने वाले हो बवाल चीज है बे। सो गाइस, ये जो लैपटॉप है ये एसर नेट्रो 5 है, जो कि मेरे वाला वो लैपटॉप एसर नेट्रो राइजन 5 से बहुत ही ज्यादा अपग्रेड वर्जन है। ये जो लैपटॉप है इसके प्राइस डिफरेंस की बात करूँ तो ऑलमोस्ट 30,000 का प्राइस डिफरेंस आता है। इसकी स्पेक्स और डिज़ाइन की बात करूँ तो इसकी डिज़ाइन पिछले वाले से बहुत ही ज़्यादा अपग्रेड कर दी गई है। इसमें लाइनिंग दी गई है रेड और ब्लू कलर की, फंकी सा डिज़ाइन दिया गया है। साथ ही साथ जो इसकी डिस्प्ले है वो भी थोड़ा सा ऊपर को उठा करके दी गई है, इट मीन्स जो इसका डिस्प्ले हिंज है वो थोड़ा सा अपग्रेड कर दिया गया है। और इसकी स्पेक्स की बात करूँ तो इसमें आपको देखने को मिलता है इंटेल i5 12th जनरेशन प्रोसेसर, जो कि 12500H पर बेस्ड है। इसमें आपको 12 कोर और 16 थ्रेड्स देखने को मिलते हैं। RTX 3050 का ग्राफिक्स कार्ड देखने को मिलता है, जो कि 95 वॉट की पावर के साथ में आता है। इसमें आपको 8GB की रैम मिलती है, जो कि 3200 MHz पर क्लॉक्ड है, जो कि DDR4 रैम दी गई है। साथ ही साथ इसको आप 32GB तक अपग्रेड कर सकते हैं। 512GB की इसमें आपको SSD देखने को मिलती है, जो कि जनरेशन 4 वाली NVMe SSD है, जो कि इसको बहुत ही ज़्यादा स्मूथ रन करने में हेल्प करती है। आउट ऑफ द बॉक्स इसमें आपको विंडो 11 देखने को मिलती है, जो कि इसकी और हेल्प करती है इसको और ज़्यादा स्मूथ बनाने के लिए। अगर कनेक्टिविटी की बात करूँ तो इसमें आपको Wi-Fi 6 और ब्लूटूथ वर्जन 5.2 देखने को मिलता है। अगर डिस्प्ले की बात करूं तो इसमें आपको 144 हर्ट्ज की डिस्प्ले मिलती है, जो कि 15.6 इंचेस डिस्प्ले है। ये डिस्प्ले एंटी ग्लेयर डिस्प्ले है। और इसकी डिस्प्ले निट्स की बात करूं, यानी कि ब्राइटनेस निट्स की, वो भी मोर देन 250 निट्स देखने को मिलती है। अगर इसकी कीबोर्ड की बात करूं तो इसमें आपको 4 जोन RGB कीबोर्ड देखने को मिलता है, जिसको RGB आप कंट्रोल कर सकते हैं। इसमें आपको 180 वॉट की फास्ट चार्जिंग देखने को मिलती है, जो कि इसको बहुत ही ज़्यादा जल्दी चार्ज कर देती है। इसकी बैटरी थोड़ी सी कम है, इस वजह से ये लैपटॉप लगभग 2 घंटे चल जाता है। हैवी यूजेस पर ये 1.5 घंटे या 1 घंटे ही चलता है। सो गाइस, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि लैपटॉप आपको कैसा लगा।